हार्दिक पंड्या T20 वर्ल्ड कप 2024 जीत कर आई टीम इंडिया के उपकप्तान। हार्दिक ने इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका के दो धाकड़ बैटर्स हेनरी क्लासे और डेविड मिलर का विकेट निकाला था। इस जीत के बाद हार्दिक खूब रोए थी और उन्होंने बीते 6 महीनों में हुई अपनी ट्रोलिंग पर भी बात की थी। अब IPL टीम मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी ने भी हार्दिक पर बात की है। नीता अंबानी ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के संगीत प्रोग्राम में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का स्वागत किया। नीता ने इन तीनों की तारीफ की और स्टेज पर बुलाकर उनका सम्मान किया। इस कड़ी में पहले रोहित आए, फिर सूर्य आए और उसके बाद हार्दिक पांड्या। हार्दिक का स्टेज पर स्वागत करते हुए नीता अंबानी ने कहा, और एक टीनेजर है जिसको हमने खोजा था, वो लड़का जिसने आखिरी ओवर में आप सबकी सांसें थाम ली थी और उसने एक बात को और प्रूव किया, कठिन समय नहीं टिकता, लोग टिकते हैं। IPL 2024 के दौरान हार्दिक को खूब ट्रोल किया गया था। मुंबई के वानखेड़े में भी हार्दिक के खिलाफ हूटिंग की गई। इसके पीछे का कारण उनका मुंबई इंडियंस का कप्तान बनना था। हार्दिक ने भी वर्ल्ड कप जीतने के बाद इन बीते दिनों को याद किया। ट्रोलिंग, वर्ल्ड कप जीत पर खुद को संभालते हुए वो बोले, ये बहुत मायने रखता है, बहुत भावुक, हम बहुत कड़ी मेहनत कर रहे थे लेकिन काम बन नहीं पा रहा था, लेकिन आज हम वो ले आए जो पूरा देश चाहता था। मेरे लिए ज्यादा खास है, जिस तरह से मेरे 6 महीने बीते मैंने एक शब्द नहीं कहा। मुझे पता था कि अगर मैं कड़ी मेहनत करता रहा तो मैं चमक सकता हूँ। ऐसे मौके मिलने से चीजें और खास हो जाती हैं। हम ये बात मानकर चल रहे थे कि ये बस अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने, शांत रहने और प्रेशर उन तक आने देने की बात थी। बताते चले, हार्दिक की इन तस्वीरों और परफॉर्मेंस ने फैंस के दिल में जगह बना ली थी। IPL में उनको ट्रोल करने वाली एक फैन ने तो कैमरे पर आकर उनसे माफी भी मांगी। इंडिया टुडे से बात करते हुए फैन बोली, सबसे पहले सबसे जरूरी बात, मैं हार्दिक पांड्या से माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने उन्हें पहले क्यों ट्रोल किया, मुझे इस बात का बहुत खेद है। मैं अब उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनका आखिरी ओवर शानदार था। इसके साथ ये भी बता दें, वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया के सीनियर प्लेयर्स आराम कर रहे हैं और यंगस्टर्स से भरी टीम जिम्बाब्वे के साथ 5 मैच की T20 सीरीज खेलने पहुंची हुई है। इस सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया हार गई। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं गरिमा, स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।